सो हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? और एक नए वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो भाई आज की वीडियो एक नंबर होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग टोटल जितने भी एक सूट आया है सभी तो एक से बढ़ के एक एक सूट है, बट कौन सी बेस्ट है, कौन सी इमोट के हिसाब से बेस्ट है, कौन सी आउटफिट के हिसाब से बेस्ट है, कौन लेवल 1 पे बेस्ट है, कौन लेवल 10 पे बेस्ट है, सब कुछ देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, टोटल 5 एक सूट का कंपटीशन करने वाले, कौन बेस्ट है क्या नहीं सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे टाइप की वीडियो मैं लेके आता हूँ। सो गाइस, जो लोग चैनल पे नए हो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, मैं पांडा, आप देख रहे हो गेम टेक पांडा चैनल, तो सभी का दिल से स्वागत है। गेम टेक पांडा चैनल के अलावा भी मेरा और एक चैनल है जिसका नाम है सोन ऑफ सरकार, जिसमें मैं लाइफस्टाइल ब्लॉग डालता हूँ, बट ब्लॉग के साथ अभी मैं बहुत कुछ ऐड करने वाला हूँ, रिएक्शन एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड शॉर्ट वीडियो रील्स, इसके साथ साथ स्टोरी टाइप वीडियो और भी बहुत कुछ। आपके पास अगर कोई आइडिया है तो कमेंट में बोल सकते हो, मैं वो भी मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि आज मैं जहाँ पे भी हूँ वो आप लोगों के लिए हूँ। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके आ जाते हैं नंबर 1। नंबर 1 पे आता है फैरो। ये बात तो सभी को पता है भाई, नंबर 1 में फैरो ही आएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट लेवल लुक है, ये लुक्स मतलब अभी तक कोई भी एक सूट का अंदर नहीं आया, मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन कॉमेंट में बता देना। तो भैया देखो, ये जो एक सूट है ये थोड़ा हटके एक सूट है, सबसे पहले आया था एक सूट और अभी भी सबका बाप है ये, ऐसा सुनने में आता है, और सबका टॉप में है, नंबर 1 पे है ये वाला एक सूट। इसका जो मतलब लॉबी वाला इफेक्ट बोलो या फिर एंट्री इफेक्ट बोलो, एंट्री मोड बोलो, मतलब ये सारे के सारे एक नंबर था, ठीक है। और फैरो अभी तक का मतलब इसका किल मैसेज थोड़ा लो लगता है मुझे, बट अलग साइड से आप लोग इफेक्ट बोलो, इमोट बोलो, उस हिसाब से नंबर 1 है। कुछ किल इफेक्ट थोड़ा डाउन है इसका, यही बात है। तो आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लड रेवन। ये तो सभी को पता है भैया, फैरो के बाद अगर कोई एक सूट है तो भैया ये, क्योंकि इसके मतलब ऊपर भी बहुत ही काम किया है उन लोगों ने, और ये लेवल 1 पे ही इतना भारी सा लगता है कि भैया समझ में ही आ जाता है कि भैया एक सूट है। और इसका किल मैसेज में थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा इफेक्ट देखने को मिलता है, जो हम लोगों को फैरो में देखने को नहीं मिलता था। तो उस हिसाब से किल मैसेज के हिसाब से देखोगे तो ये बेस्ट है, एंड इमोट के हिसाब से भी देखोगे तो ये अलग ही लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का है, वो मॉमी वाला है और ये सेकेंड। अगर बोलोगे मतलब किंग कौन है, तो भैया दोनों में ही कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दोनों ही किंग हो सकता है, मतलब सबका बाप हो सकता है या फिर नंबर 1 हो सकता है, कि भाई दोनों में ही ऐसा कुछ है। ओके, और इसके बाद भाई हम लोग बढ़ते हैं हमारे अदर्स जो जो एक सूट है उसके ऊपर, बट फैरो और ब्लड रेवन के जैसा कोई भी नहीं है। अभी आते हैं हमारा नंबर 3। नंबर 3 भी भैया इन लोगों से थोड़ा कम है, बट सबसे कम नहीं है भैया, इन लोगों के बाद में अगर कोई है तो भाई ये वाला एक सूट है, और ये वाला एक सूट मतलब नंबर 1 पे ही आप लोगों को देखने को समझ में आ जाएगा, क्योंकि भैया ये एक भारी सा एक सूट है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भैया ये वाला एक सूट भी बहुत ही ओपी सा लगता है, जब इसका जो मतलब फ्री वाला इमोट है ना, वो बहुत लोगों के पास है, आपके पास है या नहीं है कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड इसका जो लॉबी वाला इफेक्ट वगैरह था वो तो एक नंबर है, बट इसका जो मैक्स लुक है, मैक्स लुक भी एक नंबर है, ठीक है। और ये तीनों मतलब अलग अलग टाइप की है, जैसे कि इसका भी किल मैसेज किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें पानी का इफेक्ट आता है, देख सकते हो, मतलब आप लोगों को पता ही है पानी का इफेक्ट आता है इसमें, और भी बहुत सारे चीज़ इसमें है, ये मेन वाटर के हिसाब से मतलब रिप्रेजेंटिव करता है। इसके बाद आता है नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आता है ये आइज़ वाला, ये जो आप लोगों को लास्ट देखने को मिला था, मतलब मैंने अभी तक देखा ना ज़्यादातर BGMI या फिर पबजी के अंदर एक सूट बोलो तो ज़्यादातर बंदे के पास जो एक सूट है वो है ये वाला एक सूट, क्योंकि ये वाला एक सूट बहुत लोग ने लिया है, क्योंकि मैंने जितने भी मतलब नॉर्मल प्लेयर को भी मैं देखता हूँ ये वाला एक सूट है, बट ये वाला एक सूट में थोड़ा थोड़ा इमोट जैसे कि ये वाला इफेक्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा अच्छा देखने को मिलता है। इसका फाइनल फॉर्म जो है वो मुझे अच्छा लगता है, इसके अलावा इसका उतना कुछ अच्छा चीज़ नहीं है, मतलब इसका जो किल मैसेज अच्छा नहीं है, इसका पहला लुक अच्छा नहीं है, बट इसका जो मतलब इमोट वगैरह है वो अच्छा लग रही है मुझे, एंड इसके साथ साथ इसका फाइनल फॉर्म में लगती है हाँ भाई ये एक सूट है। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि भैया ये एक सूट मतलब आइस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पहले एक था आँख को, पहले एक था आप लोगों का
पानी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही ये आइस को रिप्रेजेंट करता है। ओके सो ये था आप लोगों का टोटल चार, बट अभी आता है नया वाला जो आने वाली है। सो भैया आप लोगों के लिए हाजिर है नंबर फाइव। नंबर फाइव में भैया ये वाला एक सूट, ओ भाई साहब देखो ये वाला एक सूट अभी तक का मुझे उतना बेस्ट एक सूट नहीं बोल सकते। ये इसका इमोट वगैरह जो है वो एक नंबर है, नेक्स्ट लेवल मुझे लगा। बट इसका जो आउटफिट, मतलब एक सूट के जो आउटफिट होता है वैसे टाइप की आउटफिट ही मुझे नहीं लगा ये वाला। मुझे लगता है कि प्रीमियम केड में आने वाला कुछ आउटफिट वगैरह ऐसे टाइप की बना दिया है, बट इसका इमोट वगैरह के ऊपर काम किया है। हाँ हालांकि ये अगर ज़्यादा भारी कर देता, मतलब पूरा ग्रीन कलर का अगर बना देता तो वो बेटर होता। उतना मुझे मैक्स करने के, मतलब इतना पैसा से मैक्स करेंगे तो भी हम लोगों को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा आउटफिट। हाँ इसका इमोट वगैरह अच्छा है, इसका फेस मास्क वगैरह अच्छा है, यही मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिला। तो आप लोगों को मैंने टोटल फाइव एक सूट दिखाया 5 मिनट के अंदर। तो आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कौन सी एक सूट आपको अच्छा लगा, कौन सी एक सूट नंबर वन है किस हिसाब से, ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बता देना। एंड गाइस आप लोग अगर चाहते हो अलग अलग एक सूट का अलग अलग वीडियो तो कमेंट में वो भी बता देना, एंड इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो वो भी बता देना। आप लोग वोट दो, उस हिसाब से मैं सेकेंड पार्ट लाऊंगा। ठीक है, आई होप आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्त को भी शेयर करना। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।